और एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी का कावड़ पर नेम प्लेट के फैसले से खुश नहीं है। जयंत ने कहा कि अभी भी समय है, फैसला वापस होना चाहिए या फिर इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। कहां कहां नाम लिखे, क्या अब कुर्ते में भी नाम लिखना शुरू कर दे ताकि देख कर हाथ मिलाना है या गले लगना है ये भी हमें पता चल पाए। तो सोचिए, आपकी एनडीए के सहयोगी दल है आरएलडी और क्या कुछ कहा है, जरा सुनते हैं। जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म की पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे हैं, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो तो आपने उनके नेताओं को इस बात पर, मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे। कभी कभी ऐसा होता है सरकार, वापिस होना चाहिए, समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जबरदस्ती इस पर प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले, जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो उसको ये प्रमाणित होना चाहिए कि जो पदार्थ उसमें है वो सारे वेजिटेरियन हो, जो प्रक्रिया है बनाने की वो वेजिटेरियन हो। इसके हाथ से बन रही उसका क्या मतलब, मुसलमान वेजिटेरियन है और हिंदू मीट खाने वाले भी हैं। जैन जी टायर पंचर पे भी लग रहे हैं आप तो, नाम के वोट क्या, पहले तो खाने पीने की दुकानों पर था, टायर पंचर कहाँ कहाँ लगाओगे आप, कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम कि देख के हाथ मिला या गले लगाना है। तो जैन चौधरी को आप सुन रहे थे। अब नेम प्लेट विवाद पर बाबा रामदेव ने भी अपनी बात रखी है। रामदेव को नाम बताने से दिक्कत नहीं तो फिर रहमान को नाम बताने से क्या दिक्कत है, अपने नाम पर गौरव सबको होता है, रामदेव ने इस बात को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित आदिवासी वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने जैन बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। और उज्जैन में भी होटल रेस्टोरेंट और दूसरे दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग की जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी, अखिल भारतीय पुजारी संघ के नेता और आह्वान अखाड़े के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज की मांग है कि दुकानों के बाहर बोर्ड लगाकर मालिक का नाम लिखा जाना चाहिए। इसकी उनकी दलील है कि उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास मुस्लिम इलाका है और अधिकतर होटल मुसलमान संचालित करते हैं, जिसमें कई होटल में खाना भी परोसा जाता है और कई होटल में ठहरने की व्यवस्था भी है। इतना ही नहीं, महाकाल मंदिर के मार्ग में कई ठेले और रेहड़ी वाले हैं जो फल और दूसरी चीजें बेचते हैं। मांग की जा रही है कि दुकानों और ठेला पर मालिक के नाम लिखे जाए जिससे श्रद्धालु भ्रमित ना हो। हालांकि उज्जैन में इस तरह का आदेश एक साल पहले भी दिया गया था, जिसके बाद कई दुकानों और होटल के मालिकों ने आदेश का पालन किया, कई ने नहीं किया। अब प्रशासन इसे सख्ती से लागू करवाने की बात कर रहा है। श्रावण मास हमारा पवित्र मास है, जिस तरीके से इन मुस्लिम समाज के लिए रमजान जो एक माह के होते हैं वो बड़े पवित्र होते हैं और उनकी पवित्रता के लिए वो सब कुछ करते हैं, तो श्रावण मास में भी पवित्रता के लिए संकल्प लेता है और वो संकल्प पूरा करता है, इसलिए उसका संकल्प कहीं खंडित ना हो, इसलिए नाम शरीर प्रतिष्ठानों पे लिखे जाते हैं तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना। हम सनातनी लोग हैं, मध्य प्रदेश में लगभग 7 करोड़ 10 लाख हिंदू रहते हैं,
तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके साथ धोखाबाजी नहीं होना चाहिए, उनके साथ छल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ जिहादी तत्व के लोग अपने नाम बदलकर भोजनालयों में हिंदू पर तस्वीर लगाकर, देवी देवताओं की तस्वीर लगाकर और होटलों में हिंदुओं को मैनेजर बनाकर बैठा रखा है इन लोगों ने। जब उनके साथ छल होता है, उनका पैसा किसी यूसुफ भाई के खाते में जाता तब पता चलता है। तो आप अपनी ईमानदारी बनाकर रखें ना, जितने भी प्रोपराइटर है, मालिक है, रेस्टोरेंट मालिक है, होटल मालिक है, वो अपने मालिक के नाम और नंबर बराबर बोर्ड पर होना चाहिए। ये प्रशासन, उज्जैन प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन को इस ओर बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना चाहिए। कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने FIR की है, लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं, उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। और यूपी के बाद बिहार में भी धार्मिक स्थलों पर दुकानों के आगे अब दुकानदार अपना नाम लिखवा रहे हैं। बोधगया में फल का दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे नाम लिखवा दिए। झारखंड के देवघर में जल चढ़ाने के बाद कांवड़िए बड़ी संख्या में बोधगया मंदिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं, इसलिए अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहां पर भी फल, ठेली, रेहड़ी और ढाबों वालों ने अपने नाम लिखने शुरू कर दिए हैं। तो मेरे को पहचान के लिए लगाने के लिए बोले हैं, पहचान के लिए लगाने की, भाई कौन किस आदमी की है दुकान, किसका आदमी को है दुकान, इसका मालिक कौन है, यह है गाँव का। भेदभाव की तो बात नहीं, भेदभाव की बात नहीं। और कावड़ मार्ग पर ढाबा दुकान या फिर ठेलों पर मालिक या संचालक का नाम लिख आदेश पर सियासी घमासान तो मचा ही है। मामला अदालत तक जा पहुंचा है। यहां पर जमीयत उलेमाए हिंद ने लीगल टीम की बैठक बुलाई और कोर्ट जाने की तैयारी में है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कावड़िए दिल्ली देहरादून हाईवे से हरिद्वार जा रहे हैं। इस मार्ग पर दुकानों, ढाबों पर कई जगहों पर लोगों के नाम लिख दिए गए हैं। कई जगहों पर नाम बदलने के लिए पैतरे भी लगा रहे हैं। लोग अपनी दुकान में हिंदू पैनर बना रहे हैं और नाम बदलकर हिंदू नाम अपनी दुकान में लगा रहे हैं। वहीं लोग अपनी दुकान चलाने के लिए जुगत भी लगा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम नाम से हिंदू ग्राहक उनके दुकान पर जाने से हिचकेंगे, लिहाजा एक चाय की दुकान वाले ने अपनी दुकान में हिंदू दोस्त को पार्टनर बना लिया। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर शमीम सिंह नाम के व्यक्ति ने डे नाइट कैफे के नाम से चाय की दुकान शुरू की, जिसका नाम अब बदल दिया गया और नाम रखा गया शमीम सैफी टी स्टॉल। साथ ही शमीम ने अपने दोस्त को दुकान में पार्टनर बनाया और अपने पार्टनर निखिल का नाम भी बोर्ड पर सहयोगी के तौर पर लिखवा दिया। निखिल का कहना है कि शमीम उनके पुराने दोस्त हैं। जब ये नाम लिखने का आदेश आया तो उन्होंने मदद मांगी और वो दुकान में शमीम के साथ पार्टनर बन गए और इसके लिए तैयार हो गए। हालांकि उनका कहना है कि वो अभी पार्टनर बने नहीं है, लेकिन बोर्ड पहले ही बन गया है जिस पर उनका नाम लिख दिया गया है। के शख्स की कैंटीन थी, वो मेरा दोस्त है। कहाँ पर थी ये? आपका राणा चौक के पास, ठीक है, टी स्टॉल है। तो वहाँ पर थोड़ा कावड़ वो चल रहा है मौसम, तो उसके हिसाब से उसने भाई ने मेरे से बोला कि भाई इसमें से मेरा सहयोगी बन जाए, ठीक है, तो दोनों भाई कर लेंगे साथ में। उसने फिर मेरे को बोला कि पार्टनरशिप कर लो, तो मैं पार्टनरशिप के लिए भी तैयार हो गया। अब दो चार दिन में मेरी पार्टनरशिप हो जाएगी और जो बोर्ड बनवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कहा था वो बोर्ड बन चुके हैं, क्योंकि पहले ही बनवा लिए।